हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। To obtain the HCF of two positive integers say c and d, जहाँ पर c is greater than d है, उसके लिए हम उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप वन में हम यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे, जो है c is equal to d cube plus r। यूक्लिड लेमा क्या है वो आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। फिर स्टेप टू में हम r is equal to zero फाइंड करते हैं। अगर r हमारा रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो हमें एच सी एफ मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हमें अगेन d और r में डिवीजन लेमा का अप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना जाए। और जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एच सी एफ मिल जाता है। तो इसे हम अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम स्टेप वन में देखेंगे कि सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो होती है सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अगर फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करके रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो सेकंड स्टेप में ट्राई करेंगे, और जैसे कि हमारा थर्ड स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो बन रहा है तो हम प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देंगे, और हमारा 90 और 45 का एच सी एफ आ रहा है 45। तो इसी तरीके से हम आगे के नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि आप खुद ट्राई करेंगे और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Thank you.